दोस्तों, यूं तो जानवर इंसानों से दूर ही रहते हैं, लेकिन कभी कभार गलती से या फिर गुस्से में आकर ये इंसानों को सबक सिखाने पर उतर आते हैं और ऐसे में वो बहुत ही खतरनाक हालात पैदा कर देते हैं। कुछ ऐसे ही वीडियो हमने आपको पहले भी दिखाए जिनमें जानवरों ने अपने गुस्से और सनक के चलते लोगों का अच्छा खासा नुकसान करा दिया। तो चलिए, आप सभी की डिमांड पर हम एक बार फिर लेकर हाजिर है वाइल्ड एनिमल एनकाउंटर वीडियो का पार्ट 4। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में कुछ सैलानी साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में घूमने गए थे और इसी दौरान इन्हीं में से दो टूरिस्ट की ओर एक हाथियों का पूरा झुंड दौड़ लगा देता है, जो कि अपनी जीप से काफी दूर भी थे, इसलिए उनकी जान पर बहुत ही ज्यादा खतरा बन गया था। लेकिन यहाँ पर आखिर में गनीमत की बात यह रहती है कि कार में बैठे टूरिस्ट जोर जोर से शोर मचाते हैं और साथ ही कारों का हॉर्न भी जोरदार बजाते हैं, जिसके चलते हाथियों का झुंड उन टूरिस्ट के पास से होकर निकल जाता है और यहाँ पर टूरिस्ट भी अपनी जान बचाकर भाग आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हाथी पीछे नहीं हटते तो क्या से क्या हो सकता था, वो आप सोच ही सकते हैं। अगली इस वीडियो में आप देखेंगे कि यहाँ पर वन्य जीव के इलाकों में बने एक टॉयलेट से एक शेर निकल रहा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जनाब ने आज टॉयलेट की सुविधा का पूरा फायदा उठाया है। खैर, जो भी हो, यहाँ पर अगर कोई सैलानी टॉयलेट का यूज करने आ जाता तो उसके साथ क्या से क्या हो सकता था, आप सोच ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, शेर की समझदारी पर एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इसने जंगल में गंदगी मचाने के बजाय स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाया है। अब जरा इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जहाँ पर एक आदमी कुर्सी पर आराम से बैठा है, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर चुपचाप एक सांप आ जाता है, जो कि इस आदमी के पास आते इसे तेजी से काटने की कोशिश करता है। लेकिन ये सांप इस आदमी को काट पाता उससे पहले ये आदमी से देख लेता है और सांप को अपने पैरों से जोरदार लाते मारने लगता है, जिसके बाद ये शख्स इसे अपने पैरों में दबा के हाथ में भी उठा लेता है और यहाँ से बाहर ले जाता है। वाकई में इन जनाब की तो तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि आज इनकी किस्मत अच्छी होने के साथ थी, इन्होंने सांप का रेस्क्यू भी बड़े अच्छे से किया है। वैसे दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप इस जगह पर होते तो आप क्या करते, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली इस वीडियो में कुछ लोग एक बोट में बैठकर नदी में जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनको एक बड़ा सा मगरमच्छ दिखाई पड़ता है, जिसके बाद ये सभी लोग अपनी बोट को एक जगह रोककर खड़े हो जाते हैं ताकि वो मगरमच्छ इनसे दूर चला जाए और ये आगे बढ़ सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो बड़ा सा मगरमच्छ कुछ ही देर में इनकी ओर बढ़ने लगता है और फिर अचानक इनके पास में आके इनकी बोट के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर जो ही बोट के ऊपर हमला होता है तो बोट पूरी तरह पलट जाती है और बोट में बैठे सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। हालांकि आगे इस वीडियो में क्या हुआ इस बात की हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि कैमरे में सिर्फ इतनी सी घटना कैद हो पाई थी। कुछ ऐसा ही अगली वीडियो के अंदर भी हुआ, जहाँ पर एक आदमी अपनी बोट को लेकर नदी में जा रहा था, लेकिन तभी अचानक इसको इसके सामने एक बड़ा सा एलिगेटर दिखाई पड़ता है, जिसके चलते ये शख्स भी घबरा जाता है और अपनी बोट को एक जगह पर रोक लेता है। लेकिन दोस्तों, पिछली वीडियो की तरह यहाँ पर भी वही होता है और एलिगेटर सीधा आकर इसकी बोट के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से बोट पूरी तरह पलट जाती है। लेकिन यहाँ पर इस शख्स की किस्मत अच्छी थी कि बोट के पलटने के बाद भी इसकी जान बच जाती है, क्योंकि बोट पलटने के बाद वो एलिगेटर यहाँ से चला जाता है और इस शख्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। दोस्तों, अब अगली सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जहाँ पर एक कपड़ों की शॉप में कुछ गायें घुस जाती है, जैसे कि वो सोचकर इस शॉप में घुसी हो कि चलो आज कुछ कपड़ों की खरीदारी तो कर ही लेते हैं। लेकिन जनाब, शायद यहाँ पर गायों को शॉप के कपड़े पसंद नहीं आए होंगे, इसलिए तो उन्होंने कपड़ों की खरीदारी करने के बजाय शॉप में ही तबाही मचा दी और सारे कपड़ों को इधर उधर बिखेर दिया। मतलब भाई साहब, यहाँ पर शॉप के मालिक ने भी नहीं सोचा होगा कि उसके दुकान में कभी ऐसे भी ग्राहक आएंगे। यहाँ पर जब एक वॉचमैन रात को अपनी ड्यूटी दे रहा था, तभी अचानक उसके ऊपर एक पागल हाथी हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर वॉचमैन की किस्मत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो समय रहते उस हाथी को देख लेता है और जो ही इसकी ओर वो पागल हाथी आता है तो ये अपनी जान बचाकर सामने वाले घर में घुस जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी हाथी इसका पीछा नहीं छोड़ता है और घर में घुसने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकामयाब होता है और इसी वजह से पागल हाथी वापस लौट जाता है। दोस्तों, जब हाथी की बात हो रही है
तो जरा ये वीडियो भी देख लीजिए, जिसमें एक पागल हाथी जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में आ जाता है और रिहायशी इलाकों में आने के बाद वो सीधा आकर एक घर में घुस जाता है। हालांकि यहाँ पर यह हाथी घर में ज्यादा तोड़फोड़ तो नहीं मचाता है, लेकिन घर में रखी खाने की चीजों को खाकर यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। वाकई में आजकल के हाथी भी काफी ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं कि इन्हें कहाँ खाना मिलेगा और कहाँ नहीं, इस बात की भी इन्हें जानकारी अच्छे से है। अब जरा इस वीडियो क्लिप पर नजर डालिए, जहाँ पर एक महिला अपने बच्चे के साथ एक पेट्रोल पंप पर आती है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से एक पागल गाय भी उसके ऊपर दौड़ती हुई हमला करने के लिए आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गनीमत की बात ये रहती है कि इस महिला के पीछे बैठा बच्चा पहले स्कूटर से कूद जाता है और उसके तुरंत बाद ही महिला भी स्कूटर को छोड़कर यहाँ से भाग जाती है, जिसकी वजह से गाय सीधा जाकर पेट्रोल पंप की मशीन को टक्कर मारती है। यहाँ पर गाय की टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि पेट्रोल पंप पर लगी मशीन भी धराशायी हो जाती है। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये टक्कर उन लोगों के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती थी। यहाँ पर एक मगरमच्छ रात के समय सीधा जंगल से निकलकर हाईवे के ऊपर आ जाता है और इधर उधर घूमने लगता है, जिसके चलते सड़क से जा रहे लोगों की भी सांसें थम जाती है और वो भी एक ही जगह पर रुककर उसे देखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जल्दी इस मगरमच्छ का मूड पलट जाता है और ये उसी दिशा में लौट जाता है जिस दिशा से यह आया था। यहाँ पर यह पागल सांड सबसे पहले तो इस कार के पिछले हिस्से पर हमला करता है और उस कार को अपने सींगों में उठाकर अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने लगता है। और दोस्तों ये सांड ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार करता है, जिसमें ये काफी देर तक इस कार को हवा में उठाकर रखता है। लेकिन दोस्तों जो भी हो, यहाँ पर इस कार के मालिक को अच्छा खासा नुकसान तो हो ही गया होगा और वो जब भी अपनी कार को देखेगा तो उसे इस बात का तो भरोसा ही नहीं होगा कि ये उसकी कार है। साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में जब कुछ सैलानी घूमने गए तो उनका सामना तीन शेरों से हो जाता है, जो कि सीधा उनकी कार के आसपास आकर घूमने लगते हैं। और इस दौरान वो तीनों शेर बारी बारी से शीशों की मदद से कार के अंदर भी देखने लगते हैं। हालांकि इस दौरान शेर कतई गुस्से में नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी अगर किसी के नजदीक एक नहीं बल्कि तीन तीन शेर हो तो उसकी हालत तो खराब होनी लाजमी है। वैसे दोस्तों आप इन सैलानियों की जगह होते तो आपका क्या रिएक्शन होता, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों शायद ये वीडियो आपने पहले कभी देखी होगी, जिसके अंदर एक बाबा सड़क से होकर जा रहे थे, लेकिन बाबा का चुपचाप जाना एक सड़क पर खड़े सांड को पसंद नहीं आया और इसी वजह से वो सांड गुस्से में आकर बाबा के पीछे दौड़ लगा देता है, जिसकी वजह से बाबा डरकर सामने वाली दुकान में छिपकर अपनी जान बचाते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि सांड ने बाबा के ऊपर क्यों हमला किया और लोगों पर क्यों नहीं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों सबसे आखिर में ये वीडियो भी देख लीजिए, जहाँ पर कुछ वर्कर एक पेट्रोल पंप के ऊपर काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक पागल जंगली सुअर आ जाता है और आते के साथ ही वो वर्कर्स के ऊपर हमला करने लगता है। हालांकि यहाँ पर ये वर्कर भी अपनी जान बचाकर इस सुअर के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन फिर भी ये सुअर सभी के ऊपर भारी पड़ता है और आखिर में काफी देर तक तबाही मचाने के बाद यहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही वाइल्ड एनिमल एनकाउंटर सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर देना। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।